अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। इसराइल में गुज़िश्ता एक साल से ज़ायद अरसे से शदीद सियासी बहरान था, जो चंद हफ्ते कबल एक अहम पॉलिटिकल डील के जरिए ख़त्म हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल की मुश्तरका कौमी हुकूमत का वज़ीर आज़म बन गया, जबकि अपोजिशन लीडर बीनी गेंटेस गैर मुतवक्को तौर पर इसका इत्तेहादी बन गया। नाजरीन, दोनों के दरमियान होने वाला कौमी हुकूमत का मुआहदा इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इसराइल की कौमी हुकूमत में अब हुक्मरान जमात और अपोजिशन की ब्लू एंड वाइट पार्टी दोनों एक पेज पर, एक सफ़े पर आ गए हैं। एक तहरीरी मुआहदा किया गया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2020 को फलस्तीन के मगरबी किनारे और तमाम गैर कानूनी यहूदी बस्तियों और वादी उर्दन को मुस्तकिल तौर पर इसराइल में जम करके मुस्तकिल कब्जा कर लिया जाएगा। यह मनसूबा दरअसल अमरीका और इसराइल के दरमियान हुई डील ऑफ द सेंचुरी का हिस्सा और इसका तसलसल है। जून के बाद इसराइल की अफवाज यरूशलम और मगरबी किनारे के गिर्द और अंदर अपनी पोजिशनें संभालना शुरू हो जाएंगी और 1 जुलाई को मुस्तकिल इलाक का ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन, यह की खुफिया प्लानिंग नहीं, बल्कि इस मंसूबे को तहरीरी शक्ल देकर दस्तखत करके आम किया गया है। गोया ये नाम नेहाद आलमी बरादरी, आलमी इदारों और आलमी कवानीन के लिए अमूमन और मुस्लिम दुनिया और मुसलमान हुक्मरान अशराफिया के लिए खसूसन एक खुला चैलेंज है। मगरबी किनारा या वेस्ट बैंक मौजूदा फलस्तीन का वो इलाका है जो तीन अतराफ से इसराइल जबकि मशरकी सिमत से उर्दन के दरमियान घिरा हुआ लैंड लॉक्ड इलाका है। ये 5,640 मरबा किलोमीटर का इलाका एक सरसब्ज़ो शादाब इलाका है, जिसके शमाल मगरब में बहरा मुर्दार वाक़ है और यही वो इलाका है जिसमें यरूशलम वाक़ है। यरूशलम का मुकम्मल मशरकी इलाका इसराइल के कब्जे में जा चुका है। मगरबी किनारे की मौजूदा आबादी तकरीबन 27.5 लाख फलस्तीनियों पर मुश्तमल है, जबकि इसराइल ने जबरदस्ती कब्जा करके मुख्तलिफ यहूदी आबादियां भी यहीं बनाई, जिनमें 3,91,000 यहूदी आबाद किए गए। मगरबी किनारे को तीन हिस्सों एरियाज ए, बी और सी में तकसीम किया गया है, जिनमें एरिया सी पर इसराइल काबज है, जबकि बाकी इलाके 67 से फलस्तीन के जेर इंतजाम थे, मगर अब एरिया ए और बी भी बड़े पैमाने पर इसराइल के जेर तसल्लुत हैं और इसराइल जब चाहता है बज़ोर ताकत वहां गैर कानूनी बस्तियों की तामीर शुरू कर देता है। फलस्तीनी इन आबादियों को गैर कानूनी समझते हैं और इन्हीं की पटिशन पर बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने 2004 की एक रोलिंग में इन आबादियों को बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया था। 28 फरवरी 2018 को जब अमरीका इसराइल मुज़ाकरात के बाद ट्रंप अमन मनसूबे का ऐलान किया गया तो इसको डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। आज़ाद गैर मुस्लिम मुहक़्क़ीन और तज़िया निगारों ने भी इस प्लान को मशरक़ के वुस्ता के मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया, लेकिन 57 नाम निहाद मुस्लिम ममालिक के किसी हुक्मरान के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। होना तो यह चाहिए था कि फौरी तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से शदीद तरीन रद्द अमल सामने आता, प्लान मुस्तरद कर दिया जाता, फलस्तीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई जाती और अमरीका और इसराइल पर हर तरह पर हर सतह पर दबाव डाला जाता, सियासी सफारती तजारती बाइकआउट करके इस मंसूबे को वापस लेने पर मजबूर किया जाता। लेकिन मुस्लिम हुक्मरान अशराफिया के ट्विटर अकाउंट्स तक खामोश रहे, दफ्तर खारजा से मजम्मती बयान दिलवाना तो दूर की बात ठहरी। नाजरीन, इस मंसूबे को सदी का सबसे अजीम मुआहदा करार देने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सहूनियों के नजदीक इसकी किस कदर अहमियत है, और यही बात हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी होनी चाहिए थी, मगर अफसोस। याद रहे, इस डील ऑफ द सेंचुरी को मुरतब करने वाला जेरेड कोशनर है, जो मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, इवानका ट्रंप का शौहर और एक रूसी नजाद कट्टर यहूदी है। यह एक बड़ा खानदानी बिजनेसमैन है, अमेरिकी मीडिया में इसकी बड़ी सरमायाकारी है और एक बड़ा मीडिया हाउस ऑब्जर्वर मीडिया इसी की मलकियत है, जो मशहूर अखबार न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर भी शाया करता है और आलमी अमरीकी पॉलिसी साजी पर असरअंदाज होता है। नाजरीन, तकरीबन 180 सफहात पर मुश्तमल इस मंसूबे के तहत इसराइल को बेशुमार सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि फलस्तीन पर कड़ी शराइत और पाबंदियां आयद की गई हैं। इस मंसूबे के तहत यरूशलम को मुकम्मल तौर पर इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा और फलस्तीन का इस पर हक कतई तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। यूं खाकम बदेहन इसराइल को मस्जिद अक्सा शहीद करके हैकल सुलेमानी की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने में आसानी होगी, क्योंकि फलस्तीनी यरूशलम से बाहर होने की वजह से एहतजाज के जरिए रुकावट नहीं बन सकेंगे। इस मंसूबे के तहत इसराइल को मगरबी किनारे में मौजूद तमाम गैर कानूनी आबादियां और मकबूजा इलाके मुस्तकिल तौर पर इसराइल का हिस्सा बना लेने की इजाजत दी गई है, जिसमें 30 से ज्यादा बस्तियां, 18 गैर कानूनी फॉरवर्ड पोस्ट, जबकि 15 एरिया ए और बी के टाउन शामिल हैं। और मजीद जुल्म यह कि अमरीका ने यकीन दिलाया है कि वह इस अमल को तस्लीम करके कानूनी जवाब फराहम करेगा और आलमी रद्द अमल को कंट्रोल करेगा।
इसी तरह वादी उर्दन को भी मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर इसराइल का हिस्सा बना लिया जाएगा। गोया इस मंसूबे के तहत मौजूदा फलस्तीन का 40 से 50% इलाका इसराइल के मुस्तकिल कब्जे में चला जाएगा। 50,000 के करीब फलस्तीनियों को जबरी गुलाम बनाकर उन्हें खेतों में बतौर वर्कर इस्तेमाल किया जाएगा। नाजरीन, इससे इस मंसूबे की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की इब्तिदा भी अमरीका ही ने की और यरूशलम में अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया, जो कि आलमी कानून की नंगी खिलाफ वर्जी थी। मगर इस बात पर भी मुस्लिम ममालिक की हुक्मरान अशराफिया सोई रही। इनके कानों पर तब भी जू नहीं रेंगी जब सितंबर 2019 में नीतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल जल्द वादी उर्दन को बाकायदा तौर पर इसराइल में जम कर लेगा और हेब्रोन के इलाके को भी इसराइल में शामिल करने का प्लान बना लिया है। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक जुलाई में जबरदस्ती मगरबी किनारे और गैर कानूनी आबादियों के इलाक के इसराइली ऐलान के बाद फलस्तीनियों के शदीद एहतजाज का खदशा है और इसराइल के साथ झड़पों में महज चंद माह में 10,000 से जायद नौजवान फलस्तीनियों को शहीद, लापता और शायद शदीद जख्मी कर दिया जाएगा। इसराइल ने गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में जा बजा बड़े पैमाने पर चेहरा शनासी के कैमरे नस्ब कर दिए हैं, जो जिहादी और जज्बाती फलस्तीनियों का डाटा और नकलो हरकत मॉनिटर कर रहे हैं। इसराइली ड्रोन भी हम वक्त फजाओं में परवाज करते हैं और मुजाहिदीन के ठिकानों की मालूमात और नकलो हरकत नोट करते रहते हैं। वक्त आने पर इसराइल भरपूर और जालमाना अंदाज में इन सब पे फौजी ताकत इस्तेमाल करके शदीद जानी, माली और लॉजिस्टिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम वक्त से पहले इस आने वाले मसले को उजागर करें और सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाएं और अपनी हुक्मरान अशराफियों को मजबूर करें कि वो इस हवाले से सख्त और वाज मौकफ अपनाए। आलमी सतह पर हमारी हुकूमत मुहिम चलाए और दीगर इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर मुश्तरका लाहे अमल अपनाए और इसराइल अमरीका को यरूशलम पर कुल्ली कब्जे और मगरबी किनारे के जबरदस्ती इलाक की सूरत में सख्त तरीन अमली रद्द अमल की धमकी दी जाए। इसके साथ साथ फलस्तीनियों की हर मुमकिन फौजी मदद की जाए और उन्हें पहले से तैयार किया जाए। यह नाउ और नेवर वाला मामला है। यरूशलम पहले ही आधा गंवाया जा चुका है। अब अगर यरूशलम और मगरबी किनारा मुकम्मल इसराइल के कंट्रोल में चला गया तो शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सहूनियत की ताकत और मजालम किस कदर बढ़ जाएंगे। सहूनी रूहानी तौर पर भी खुद को मजबूत महसूस करेंगे और यू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इनकी काविशें मजीद तेज तर हो जाएंगी और यरूशलम और मगरबी किनारे के हाथ आ जाने के बाद वो दिन दूर नहीं होगा जब माजल्लाह मस्जिद अक्सा और कुबतुल सखरा को मुकम्मल तौर पर शहीद करने की कोशिश की जाएगी और हम सवाए चंद मुजम्मती बयानात देने के कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बयानात जिन पर सियासी जमातों के वर्कर्स वाह वाह करेंगे और बोलेंगे कि देखो हमारा लीडर कैसे इसराइल की आंखों में आंखें डाल के बयान दे रहा है। इसी दौरान यहां थर्ड टेम्पल यानी तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू की जाएगी, जो कि दज्जाल के आने से कबल मुकम्मल की जानी है, वो जगह जहां दज्जाल अपना तख्त लगाएगा। याद रखिए, अगर हमने इस मंसूबे में रुकावट डालने के लिए अपना किरदार अदा ना किया तो तारीख हमें इस अजीम जुल्म का हिस्सा और फलस्तीनियों की शहादतों का जिम्मेदार गर्दानेगी। एक अहम बात बताता चलूं कि आलमी मंसूबा साजों का यह SOP रहा है कि उन्होंने जब जब इसराइल के हवाले से खसूसन और आलमी सतह पर अमूमन कोई बड़ी और अहम तब्दीली लानी होती है तो वह बाकी दुनिया को अमूमन और अरब ममालक को खसूसन किसी और उलझन या मामले में उलझा देते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लिहाजा हमें आंखें और कान खुले रखने हैं और रियासत के खिलाफ नफरत फैलाए बिना हुक्मरान अशराफिया पर दबाव डालना है कि वह फलस्तीन के हवाले से बयान किए गए इकदाम करे। हो सकता है अरब ममालिक को जल्द ही किसी नई उलझन में डाल दिया जाए। तेल की कीमतों में कमी इसी मंसूबे का हिस्सा लगती है और यह भी इम्कान है कि सऊदी अरब में मजीद सियासी इंतशार फैलाया जाए। एक और बात जहन में रखें कि कुछ लोग पाकिस्तान में यह कहते फिरते हैं कि यह अरबों का मामला है, इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक, हम क्यों एहतजाज करें, जबकि अरब ममालिक खुद फलस्तीनियों की इमदाद नहीं करते, इनके लिए आवाज नहीं उठाते, तो हम क्यों आवाज उठाएं। मगर शायद इन्हें मालूम नहीं, इन्हें शायद याद नहीं कि यह महज अरबों का मामला नहीं, यह पूरी उम्मत का मामला है। बैतुल मुकद्दस हमारा पहला किबला है जिससे इसकी अल्लाह के नजदीक कदर व मंजिलत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह अंबिया की सरजमीन और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश है, इसी को मुकद्दस सरजमीन कहा गया है। यहीं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और यहीं पर तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। यहीं से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। जमीन पे खाना काबा के बाद जो दूसरी मस्जिद तामीर की गई वो मस्जिद अक्सा ही है, जो मुसलमानों के लिए इसके मुकद्दस तरीन होने की दलील है। यहां हर नमाज का सवाब कई गुना ज्यादा है।
اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے قبل اپنے دست مبارک سے لشکر تیار کر کے یروشلم فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور خلیفہ اول نے فتنوں کے دور میں لشکر کی شدید کمی کے باوجود یروشلم بھیجے گئے لشکر کو واپس نہ بلایا، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کی فتح کے وقت خود تشریف لے گئے۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے اندازاً 5,000 سے زائد صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس علاقے کی اینڈ آف ٹائمز میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، تینوں بڑے مذاہب کے نزدیک آخری زمانے کے تمام واقعات اسی مقدس سرزمین کے گرد گھومیں گے اور اسی سے جڑے ہوں گے، لہذا یہ کہنا کہ یہ عربوں کا اندرونی معاملہ ہے انتہا درجے کی جہالت، گمراہی اور لا علمی ہے۔ کچھ لبرلز اور سرخے اسے محض زمین کا تنازع کہہ کر پاکستان اور پاکستانیوں کو اس معاملے سے دور رہنے کا مشورہ نما زہر دیتے ہیں، جو کہ مضحکہ خیز اور خطرناک عمل ہے۔ یاد رکھیے، فلسطین معاملے کا تعلق براہ راست امت مسلمہ کی عزت و وقار، شاعر اسلام کی حفاظت، کفار کے خلاف مزاحمت اور دجال کے خلاف جہاد سے ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ معلومات اور اندیشے آپ تک پہنچا دیے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنا کردار کیسے نبھاتے ہیں۔